सुब्रत रॉय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इस तरह की जानकारी आ रही है। उनकी तरफ से लगातार जो कोशिशें हो रही थी कि वो जेल से बाहर आ सके और उन्हें फौरी राहत मिले, सुब्रत की अपील पर आज सुनवाई नहीं हुई है। 25 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी, तब तक के लिए करना होगा इंतजार। अगली सुनवाई तक अब जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से सुब्रत रॉय सहारा को नहीं मिली है राहत। अब अगली सुनवाई तक जेल में ही रहेंगे सुब्रत रॉय। यानी जो होली भी इस बार बीतेगी वो जेल में ही बीतेगी। कोशिश ये थी कि जरा सी राहत मिल जाए, जेल से बाहर निकल सके और शायद होली का त्योहार बनाए, लेकिन जो रुख अख्तियार किया गया है उसमें आज सुनवाई नहीं हुई। अब 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी और बीच में ही निकल जाएगी होली, यानी जेल में बीतेगी सुब्रत रॉय की होली। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का काफी सख्त रुख रहा है सुब्रत रॉय को लेकर। जितने भी जवाब या जो भी तरीके पैसे लौटाने के सुब्रत रॉय ने अपनी तरफ से दिए थे, उन सभी ऑप्शंस को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अख्तियार किया है अभी तक सुब्रत रॉय पर, और यही सिलसिला आगे बढ़ रहा है क्योंकि आज सुनवाई नहीं हुई। यानी 25 मार्च को अगली सुनवाई होने का मतलब कि जेल में ही होली बीतेगी सुब्रत रॉय की। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अब संजय, क्या हुआ और अब ये माने कि ये जो होली 17 मार्च की है अब तो जेल में ही बीतेगी? जी हाँ बिल्कुल संदेश, बिल्कुल साफ है। कोर्ट ने जिस तरह से कड़ा रुख अख्तियार किया है और उनके तमाम जो प्रस्ताव लेकर आए थे उससे कोर्ट असंतुष्ट दिखा था, और अभी भी सुनवाई के दौरान यही रहा। कोर्ट का ये कहना था कि एक तो हमारे आदेश के बावजूद निवेशकों के पैसे लौटाने में सहारा हिला हवाला कर रहा है, और जो इन्होंने प्रस्ताव दिए हैं वो भी 1.5 साल में सारी रकम वापस करने के हैं, जब हमारे कहने के बावजूद अभी तक चीजें पैसे वापस नहीं किए गए, तो आगे का क्या भरोसा है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने इनके कहा कि कुछ पुख्ता प्रस्ताव लाया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी निवेशकों के पैसे वापस करने की क्या योजना है वो बताई जाए। जी, और अभी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय इस तमाम जानकारी के।